आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फाइनल लेक्चर लूंगा ईरान पे। आपको पता ही है ईरान पे मैंने अभी बीते हफ्ते बहुत सारे लेक्चर्स लिए, इनफैक्ट 2 हफ्ते से मैंने काफी लेक्चर्स लिए हैं, तो ये फाइनल लेक्चर है। ठीक है, तो ईरान का आई होप इसके बाद आपको इतिहास पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 1953 में, 1953 में ईरान में जो तख्ता पलट हुआ, ठीक है, जो कू हुआ, कू डिटैट जिसको तख्ता पलट कहते हैं, तो इस कू की हम बात करेंगे। इसका नाम था ऑपरेशन एजेक्स, और बैकग्राउंड में आपको पता ही है अमेरिका था। तो अमेरिका, जैसा कि आपको हमेशा से पता रहता है कि अमेरिका जो है वो हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाता है, तो यहां पे भी ईरान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था 2013 में। पहले तो अमेरिका मान ही नहीं रहा था कि 1953 के कू में उसका बहुत बड़ा हाथ था, तख्ता पलट जो किया, लेकिन 2013 में CIA ने डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक किए, तो उसमें ये साफ साफ लिखा, हजारों हजारों पन्नों के वो डॉक्यूमेंट्स थे, और साफ साफ पता चल गया कि अमेरिका का हाथ पैर सब था उसमें। ठीक है, तो लेकिन अमेरिका से ज्यादा इसमें ब्रिटिश इन्वॉल्व था। ठीक है, ब्रिटिश बहुत वक्त से ईरान में ट्रेड कर रहा था, तो वो वहां से जाना ही नहीं चाहता था, होता है, आदत पड़ जाती है। एक जगह अगर आप रहेंगे और वहां से ढेर सारा पैसा मिल रहा है और फ्री फंड का पैसा है, तो आप नहीं जाएंगे वहां से, आप अपनी आखिरी सांस लगाएंगे कि ऐसे नहीं जाना है हमको, ठीक है, आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे। तो ब्रिटिश ने वही किया, और वो गया भी नहीं 1953 में, जब पूरा मौसम बन गया कि बाय बाय ब्रिटिश, वो नहीं गया, वो अल्टीमेटली 1979 में ही गया, जब फाइनल रेवोल्यूशन हुआ ईरान में। ठीक है, तो ऑपरेशन एजेक्स की बात करेंगे, 1953 की कहानी को देखेंगे। सिडन स्को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्कर PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बैकग्राउंड में कौन है, ब्रिटेन। ठीक है, अब 19th सेंचुरी जो थी, ठीक है, वो पूरी रशिया और ब्रिटेन ने डोमिनेट की ईरान में। ठीक है, ईरान में जो राजा रूल करता था वो या तो रशिया के साथ था या फिर ब्रिटेन, हालांकि बाद में वो पूरा ब्रिटेन के साथ हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों कि ब्रिटेन ने ईरान में 19th सेंचुरी की मिड 19th सेंचुरी में ही एंट्री मार ली थी। ठीक है, अब ब्रिटेन जो है वो पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाता फिर रहा था, भारत भी कॉलोनी हो गई थी 1857 वॉर के बाद, इंडिया ऑफिशियल कॉलोनी हो गई थी ब्रिटेन की, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, तो इधर मिडिल ईस्ट में भी ब्रिटेन आ गया। ठीक, तो ईरान में ब्रिटेन जो है, अब ईरान में तेल बहुत मिलता है, ठीक है, ईरान में बहुत सारा तेल मिलता है, तो ब्रिटेन फ्री फंड का तेल लेगा, तेल लेने के लिए उसको एक कंपनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो जो कजार डायनेस्टी थी, 100 साल का इनका रूल था बेसिकली, 1789 से लेकर 1925 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है, और काफी लंबा रूल था। तो कजार डायनेस्टी और उसके बाद पहलवी डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टीज जो आई ईरान में, और इससे पहले डैंग डायनेस्टी थी, लेकिन वो बहुत ही 1751 एस्टैब्लिश हुआ, 1789 में कजार डायनेस्टी ने उसको रिप्लेस कर लिया। खैर, ईरान के इतिहास पे फिलहाल हम नहीं जाते हैं। तो इसके बाद जो पहलवीज भी आए वो भी प्रो ब्रिटेन थे, वो ब्रिटेन को ही सपोर्ट करते थे। तो ऐसा है कि ब्रिटेन ने बकायदा अपनी कंपनी बना ली, ऑयल कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों पहले ईरान को पर्शिया बोला जाता था, ये तो 1935 में पर्शिया को ईरान से चेंज कर दिया, नाम बदल दिया, नामकरण हो गया। वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ 1914 से लेकर 1919, तो ये और ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा वेस्टर्न पावर्स का, और ज्यादा ये मिल बांट के ईरान को मिल बांट के खाने की कोशिश। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ब्रिटिशर 1900 के शुरू होने के बाद जब ये 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है, तो हर मैटर में, कोई भी ईरान का अंदरूनी मसला ही क्यों ना हो, ब्रिटेन जरूर हस्तक्षेप करता था। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, तेल छुपा हुआ था। ब्रिटेन ने तो बकायदा शहर बना लिए थे, अबादान शहर बना लिया था, वो पूरा ब्रिटेन ने बनाया था। ठीक है, उनकी पूरी एक्सपर्टीज थी, ब्रिटेन के इंजीनियर जाते थे, और ये जो ब्रिटेन की कंपनी थी वो पूरा ईरान में जो तेल मार्केट था, ऑयल मार्केट था, उसको ऑक्यूपाई की हुई थी। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया दोस्तों, वैसे वैसे लोग गरीब होते गए। लोग ये नहीं सहेंगे, एक तो ईरान का कल्चर इतना पुराना है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है दोस्तों हजारों हजारों साल पुरानी है, तो लोग क्यों सहेंगे, कल्चर इतना पुराना, और अब बाहरी ताकतें जो है वो अटैक कर रही हैं, तो ये जो राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना है, ये अब ईरानियंस में जगने वाली थी। नाम क्या था,
एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, ये ब्रिटेन की एपीओसी, ये ब्रिटेन ब्रिटिश की जो ऑयल कंपनी थी, जो पेट्रोलियम कंपनी थी, उसका नाम था। अब 90% प्रॉफिट जो है वो ये कंपनी ले जाती थी, 10% केवल ईरान को मिलता था। ईरान का पुराना नाम पर्शिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ऐसा है कि लोग परेशान होने लगे, लोग गरीब होने लगे, लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। इनका व्यवहार आपको पता ही है ना कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिश भारत में, तो पता ही है कितनी बुरी हालत थी। तो सोचिए ईरान में क्या करते होंगे, सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाता था, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम क्या आके तेल निकालोगे, पहले निकलो यहां से वरना मार देंगे तुमको। और ताकत भी ब्रिटेन के पास बहुत थी, क्योंकि जो राजा था वो सीधा ब्रिटेन को रिपोर्ट करता था। इनफैक्ट 1906 में, अच्छा एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गया, 1906 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन आया था ईरान में। क्रांति जो है वो तीन चार बार आई है, लेकिन जब भी आई है बड़ी खतरनाक लेवल पे आई है। 1979 की तो क्रांति ऐसी थी कि पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी, उसकी खैर मैं बात कर चुका हूं, ईरान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। आयतुल्ला खोमेनी की बायोग्राफी देखिएगा, अभी दो दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया है। तो 1906 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन था, अब लोगों को तो यह पता चल गया कि जो राजा है वो बहुत ही प्रो वेस्टर्न उसकी पॉलिसी है, कजान डायनेस्टी का जो राजा है, ठीक है, तो सॉरी कजार डायनेस्टी का जो राजा है, तो जो कजार डायनेस्टी का राजा है इसकी प्रो वेस्टर्न पॉलिसी है, तो बहुत हो गया, अब कानून बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आएंगे, राजा रहेगा लेकिन कानून के दायरे में, कोई भी बिल पास करना होगा तो वो असेंबली से होगा, कोई भी अगर ऑर्डर देना होगा तो असेंबली से होगा, जब वोटिंग होगी तभी होगा, ऐसे नहीं कि बस राजा ने देखा उस डॉक्यूमेंट को, साइन कर दिया और हो गया काम, नहीं बिल्कुल नहीं, अब ये सब खत्म। तो 1906 में संविधान की, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की ईरान में स्थापना हुई, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन। लेकिन इसमें भी ब्रिटिश का हाथ था, इसमें भी ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया था अंदरूनी मामलों में, जो कानून ड्राफ्ट हो रहा था उसमें भी, कि जो भी कानून बने वो ऐसा बने कि हमको सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। तो ऐसे थे ये ब्रिटिशर। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था, फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कट्टर थे, अब ईरान एक मुस्लिम कंट्री, एक शिया देश है, ठीक है, शिया सुन्नी भी रहते हैं वहां पे, तो जो कट्टर मुस्लिम थे वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश अपने साथ मॉडर्नाइजेशन लेके कल्चर में हस्तक्षेप कर रहा था, वो मॉडर्नाइजेशन ला रहा था, यहां तक कि जो टोबैको की, जो तंबाकू की मोनोपोली है ईरान में, वो तक ब्रिटिशर ने छीन ली थी, जिसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुए। अरे आयतुल्लाह खोमेनी यहीं से तो उठ गया है ना, बहुत प्रोटेस्ट, लोग जो है, जो कट्टर मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे कल्चर में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये राजा को क्या पड़ी है कि ये उनका सपोर्ट कर रहा है। अब 1925 में रेजा खान आ गया, पहलवियों का राज शुरू। अब दोस्तों ये और प्रो ब्रिटिशर थे, ये और ज्यादा ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हम ये देखते हैं, अहमद शाह कजार ने थ्रोन को एबडिकेट किया, छोड़ा उस थ्रोन को, और उसके बाद रेजा खान आ गए। ये पहलवी डायनेस्टी जो है 1925 से एस्टैब्लिश होगी, अबे 1979 तक चलेगी। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 से लेकर 1953 तक, इस सात आठ साल तक, थोड़े टाइम तक डेमोक्रेसी रही थी ईरान में। अब आपको बता दूं कि अभी बहुत सवाल उठे थे जब डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है वो पब्लिक किए थे कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता है ना, तो तर्क क्या देते हैं ईरान में, और ये बिल्कुल सही तर्क है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी, सब कुछ सही चल रहा था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, लेकिन ये अमेरिका की वजह से हमारी डेमोक्रेसी चली गई। कैसे, अभी मैं बताता हूं, अभी उसमें आते हैं। 1953 में अमेरिका ने क्या, अमेरिका और ब्रिटिश ने मिलकर, ब्रिटिश इसमें ज्यादा बड़ा विलन है, तो क्या गड़बड़ी की थी, समझ गए। तो जैसे ही रेजा शाह जो है वो आते हैं, तो ये साहब जो है ये पूरा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है ईरान के लिए, अच्छी बात है, लेकिन ईरान के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ईरान के लोग बहुत गरीब होते गए, खाने तक के लाले पड़ गए। तो अब लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा रेजा शाह। अब रेजा शाह जो था वो बड़ा गुस्से वाला था, काफी हार्श रूलर था। इसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर दें आप, तो ये टॉलरेट नहीं करता था, या तो मरवा देता था या जेल में डाल देता था। तो जो भावी प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे मोहम्मद मुसाद्दिक, जिन्होंने नेशनल फ्रंट अपनी पार्टी को भी, जो कि एकमात्र, मतलब एकमात्र तो नहीं, वैसे ईरान की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज भी है, उसके लीडर थे। 1949 में इन्होंने नेशनल फ्रंट को फाउंड किया था, जो काफी सीटें जीती थी। तभी तो मोहम्मद मुसद्दिक जो थे, इन्हीं पे ही पूरा बवाल हुआ था। ये आने अभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 1953 में, आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो इनको भी जेल में भेज दिया रेजा शाह, क्योंकि मोहम्मद मुसद्दक जो है ये भर भर के ब्रिटिश की बुराई करते थे और रेजा शाह तो ब्रिटिश की बुराई सुन नहीं सकते थे। ब्रिटिशर अच्छा खासा पैसा रेजा शाह को भी देते थे, पहलवीज को भी देते थे। अब राजा महाराजाओं को क्या लेना देना है, लोग मरे जी उनको क्या, उनकी अय्याशी पूरी हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है, सिंपल, उनको क्या लेना देना है लोगों से, लोगों की मोनार्की में। दोस्तों बहुत ही काम ऐसे राजा हुआ है जिन्होंने लोगों की परवाह की है। भारत में प्रिंसली स्टेट का भी तो यही था, भारत में दो भारत थे 1857 के बाद, 1857 से लेकर 1947 तक, एक तो था ब्रिटिश इंडिया का भारत और एक था प्रिंसली स्टेट। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ब्रिटिशर जो थे, जो ब्रिटिश ने भारत बनाया था मुंबई मद्रास और कलकत्ता में जो रूल कर रहे थे उनकी प्रेसिडेंसी से, वहां हालत फिर भी बहुत बेटर थी, ये प्रिंसली स्टेट में तो हालत बद से बदतर थी। तो राजा को क्या फर्क पड़ना है, लेकिन लोगों को फर्क पड़ रहा था, लोग खड़े हो रहे थे। अब इसी में दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। 1935 में दोस्तों रेजा शाह ने पर्शिया का नाम ईरान चेंज कर दिया, तो फिर कंपनी भी चेंज हो गई, पहले एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी, अब ईरान लग गया पर्शिया की जगह। ये ब्रिटिश की कंपनी थी AIOC, ठीक है ना, याद रखिएगा ध्यान से, मतलब ये अभी इसका नाम जो है ना काफी आगे आने वाला है, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया 1939 में, ठीक है, सोवियत ने इन्वेड कर दिया ईरान को। ईरान न्यूट्रल था हालांकि वॉर में, लेकिन सोवियत ने इन्वेड कर दिया। क्यों इन्वेड किया, क्योंकि तेल चाहिए था और एक पूरा रेल रूट, ट्रांस ईरानियन रेल रूट बनाना था ताकि तेल आसानी से सोवियत में आ सके। तो सोवियत की फौजें जो है वो ईरान में चली गई, ब्रिटिश भी यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, सबने अपनी फौजें हटाई। अब जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब वापस से मांग उठने ये लगी कि बहुत हो गया, हटाओ राजा महाराजा को, हमको चाहिए डेमोक्रेसी, हमको क्या चाहिए, आजादी, सीधे ये नारे लगने लगे, लोग खड़े हो गए। तो क्या हुआ, मोहम्मद मुसद्दक जिनकी हम बात कर रहे थे, अब वो दोबारा पिक्चर में आएंगे। मोहम्मद मुसद्दक हीरो बन के उभरे, ठीक, ये लोगों की बातों को आगे लग रहे, आगे रख रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के बिल्कुल ये अगेंस्ट थे, इनको तो हम नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, समझ गए। अब हम सीधे 1949 पे कूदते हैं। 1949 से लेकर 1952 तक काफी बार इलेक्शन हुए, ठीक है, शाह की पावर को कम किया जा रहा था। इसी बीच दोस्तों शाह को एसासिनेट करने की भी कोशिश की, शाह को जब एसासिनेट करने की, 5 गोलियां चलाई गई थी शाह के ऊपर, ठीक है, रेजा के ऊपर, जब उसको एसासिनेट करने की कोशिश की तो जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा सिंपैथाइज किया। तो अब हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि 1951 आते आते मोहम्मद मुसद्दक क्या कहने लगे थे, जनरल अली राजमारा, याद रखिएगा, ये 1950 में जो इलेक्शन हुए थे जो, तो ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे, हालांकि पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके मोहम्मद मुसद्दक आए थे, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर जो कि जिनको लोगों ने चुना था। फिलहाल तब तक जनरल अली राजमारा, ये बार बार इलेक्शन हुए दोस्तों, 3-4 बार हुए थे 1949 से लेकर 1952 तक, ठीक है, बार बार लोगों को जाना जाता, जाते थे और वोटिंग करके आते थे। इसमें दोस्तों कानून में भी बहुत सारे चेंजेस किए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मिशन जिसकी बात बहुत वक्त से चल रही थी कि 1906 में जो संविधान बनाया उसको भी चेंज करो, तो इसमें शाह ने जो पार्लियामेंट थी मजलिस उसको भी दो हाउसेस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ 1949 से लेकर 52 तक इलेक्शंस हुए। तो पहले अली राजमारा चुन क्या है, इनको खत्म कर दिया गया, एसासिनेट कर दिया गया। अब अगला कौन, मोहम्मद मुसद्दक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब जैसे ही मोहम्मद मुसद्दक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ब्रिटिश के खिलाफ मोहम्मद मुसद्दक, पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाया कि जो हमारी, हमारा तेल है, ईरान का तेल है, अब बाहर नहीं जाएगा, हमारे घर की चीज हमारे घर में ही रहेगी। यह मोहम्मद मुसद्दक ने सबको बता दिया और पूरा बिल पास करवाया, इस पर वोटिंग हुई, बिल पास हो गया, नेशनलाइजेशन, ये पूरा नेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो ब्रिटिशर है ये इतनी आसानी से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ब्रिटेन ने कि हम इस कंपनी को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। अब बहुत सारे एग्रीमेंट नेगोशिएशंस हुए, ठीक, हम यहां पे देखते हैं कि मोहम्मद मुसद्दक ने ब्रिटिश से नेगोशिएट करने की कोशिश की। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों कि जो नेशनलाइजेशन प्रोग्राम था, मतलब क्या कि अभी तो ये प्राइवेट ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो तेल ले जा रही थी, लेकिन जब मोहम्मद मुसद्दक प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बोला कि अब तुमको हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे और जो हमारा तेल है वो हम अपने पास ही रखेंगे, सरकार, हमारी सरकार, नेशनलाइजेशन मतलब यही होता है ना, सब कुछ सरकार के अंदर आ गया, तो हमारी सरकार अब ये तेल अपने पास रखेगी, तो इधर ब्रिटेन का मूड खराब हो गया। तो अब नेगोशिएशन शुरू हो गए,
समझौता करते हैं, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। अल्टीमेटली यहां पे मोहम्मद मुसद्दक मान गए, क्योंकि हुआ क्या कि जब ये नेशनलाइजेशन हुआ, अब देखिए इतने सालों से ब्रिटेन ईरान के ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, एक पूरा शहर बसा दिया अबादान। अब हुआ क्या कि जब जिस शहर में जहां से तेल निकालता था ब्रिटेन, उसकी कंपनी तेल निकालती थी, तो जो पूरा स्टाफ होता था, जो पूरा क्रू होता था, वो ब्रिटेन का होता था। ठीक है, आई मीन क्रू नहीं, स्टाफ, जो उनका स्टाफ, जो इंजीनियर्स ब्रिटेन के होते थे, ठीक है, वर्कर्स ब्रिटेन के होते थे, और ब्रिटेन की एक्सपर्टीज थी। लेकिन जब ईरान ने इस नेशनलाइजेशन को अंजाम दिया, तो अब दोस्तों ईरानियंस के पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि तेल कैसे निकाला जाए, फिर बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, तो ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा चरमरा गई। उसके बाद ब्रिटेन ने गुस्सा होकर ईरान पे एम्बार्गो और लगा दिया, तेल बेटा तुम कहीं पे मतलब कहीं पे, इधर यूरोप तो नहीं लेके आ पाओगे, तुम्हारे शिप यहां से आएंगे नहीं। ब्रिटेन उस समय तक ताकतवर था, जब तक स्विस क्राइसिस नहीं हुई थी तब तक ब्रिटेन के पास अच्छी खासी ताकत थी। स्विस क्राइसिस ने ब्रिटेन को, ब्रिटेन की ताकत खत्म कर दी, वो भी प्राइवेट कंपनी के लिए ही था। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ईरान के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, इतनी एक्सपर्टीज नहीं, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा खराब। तो मुसद्दक को थोड़ा बहुत यह एहसास हो गया था कि ब्रिटेन की हमको मदद चाहिए, तो मुसद्दक बातचीत के लिए तैयार हो गए थे कि ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन 50-50, जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा 50% आप लेंगे, 50% हम लेंगे। ब्रिटेन ने बोला हटाओ ये सब, 50-50, 50-50, कौन बनेगा करोड़पति, हम नहीं खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं, जैसा पहला चलता था वैसे ही चलेगा, अब तुमको करना है करो, नहीं करना है तो निकल लो पतली गली से। मोहम्मद मुसद्दक ने बोला कि नहीं, फिर तो ये डील कैंसिल करते हैं हम। तो ब्रिटेन ने बोला कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है। अब ब्रिटेन ने तख्ता पलट करने की कोशिश शुरू कर दी कि मोहम्मद मुसद्दक हमारी आंखों का कांटा, मतलब आंखों का नासूर है, इसको हटाओ। मोहम्मद मुसद्दक ने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका शुरू में तो तैयार हो गया। 1947 से 1951 तक हेनरी एस ट्रूमैन थे जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ब्रिटेन ने बोला अमेरिका से, हेनरी एस ट्रूमैन से 1951, कि ऐसा है एक काम करते हैं कि मुसद्दक का तख्ता पलट कर देते हैं, कू कर देते हैं, ठीक है। अब जब तख्ता पलट होगा तो हम अपने नुमाइंदे को बैठाएंगे ईरान में, ये ब्रिटिश ने बोला हेनरी एस ट्रूमैन को। लेकिन हेनरी एस ट्रूमैन ने मना कर दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इस तख्ता पलट में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर मोहम्मद मुसद्दक का क्या है आलम है, उनको एज अ हीरो ट्रीट किया जा रहा है कि ये तो वो इंसान है जिसने ब्रिटेन को मार मार के भगा दिया। लेकिन ब्रिटिश के जो एजेंट्स थे दोस्तों, वो अब तक ईरान में फैल चुके थे, और ईरानियन जो पढ़े लिखे ईरानियंस, उन सबको करप्ट कर दिया था। ब्रिटिश की MI6 इंटेलिजेंस एजेंसीज वो हर जगह फैल चुकी थी, और पूरा तख्ता पलट का मन बना लिया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ही तो तख्ता पलट करती है, बाहर से ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर तख्ता पलट किया, ठीक है। अब 1953 में ड्वाइट डी आइजनहावर आए। ड्वाइट डी आइजनहावर जो थे वो मान गए इस तख्ता पलट, ये जो पूरी स्कीम थी, इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको कि अब सही वक्त आ गया है। एक्चुअली हेनरी एस ट्रूमैन इसलिए नहीं मान रहे थे कि अगर हम तख्ता पलट करते हैं तो शायद ईरान सोवियत से मदद मांगेगा, और सोवियत ईरान की मदद करेगा, और सोवियत है कम्युनिस्ट नेशन। अब सोवियत उस समय बड़ा ताकतवर था, तो यहां पे एशिया में, सेंट्रल एशिया में भी कम्युनिज्म फैल जाएगा। तो हेनरी एस ट्रूमैन परहेज किए, लेकिन ड्वाइट डी आइजनहावर मान गए। उन्होंने बोला कि नहीं, तख्ता पलट करो और बहुत जरूरी है। तो ये बकायदा पूरी प्लानिंग होती है, और अब ऑपरेशन एजेक्स को इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे एक और चीज देखिए, मुसद्दक को जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे शुरू में, ठीक है, शुरू में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में सपोर्ट करना छोड़ दिया। देखिए ये दोनों तरफ से चल रहा था, मुसद्दक को यह लग रहा था कि इधर से अगर हमको सपोर्ट मिल रहा है, अगर मुस्लिम कट्टरपंथियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो यानी कि एक तबका हमारे साथ है, नेशनलाइजेशन अच्छा होगा, मैं अपने जो प्लान्स है मेरे, ठीक है,
जो सेक्युलर प्लान्स है, मोहम्मद मुसद्दक को चैंपियन ऑफ सेक्युलर सेक्युलरिज्म बोला जाता है कि सेक्युलरिज्म के चैंपियन थे ये, ठीक है। सारे धर्मों को ये मतलब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो बिल्कुल धर्म निरपेक्ष थे, धर्मों में बिल्कुल ये भेदभाव नहीं करते थे और प्रॉपर डेमोक्रेटिक रूलर थे मुसद्दक जो थे। और इधर कट्टर मुस्लिमों को क्या लग रहा था, कट्टरपंथियों को ये लग रहा था कि एक बार हम मुसद्दक का साथ दे दें और ये ब्रिटेन जाएंगे तो शरिया लॉ लागू कर देंगे हम ईरान में, ये अच्छा होगा। लेकिन बहुत जल्द मुसद्दक ने ये जो भरोसा है वो खो दिया। क्यों? क्योंकि मुसद्दक को जब लगा कि मेरे खिलाफ तख्ता पलट करने होने वाला है, पता चल गया था मुसद्दक को, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और जो ईरान में मुसद्दक के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा होने लगे, क्योंकि नेशनलाइजेशन से गरीबी बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा होने लगे। तो मुसद्दक ने इमरजेंसी लगवा दी, एक रेफरेंडम पास करवाया, ठीक है, 1952 में, कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए कि नहीं किया जाए। 99% मेंबर्स ने वोट किया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, सॉरी मेंबर्स नहीं, पब्लिक ने वोट किया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, इमरजेंसी लग गई। अब अमेरिका को यह बहुत बड़ा, अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत बड़ा यह हथियार मिल गया। लोग सड़क पे थे, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलके, अमेरिका की CIA ने दोनों ने मिलके वहां पे ईरान में क्राउड्स को भेजा, खुद के लोगों को भेजा कि तुम ईरान में जाओ और ईरान में मुसद्दक के खिलाफ नारेबाजी करो। एक ग्रुप बनाया जो मुसद्दक के साथ और एक ग्रुप जो मुसद्दक के खिलाफ, जिससे मुसद्दक भी कंफ्यूज हो जाए। तो बकायदा CIA और MI5 जो कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बकायदा लोगों को तैयार किया और बोला कि ईरान में अब ये बहुत ही बढ़िया हमारे पास मौका है, प्रोटेस्ट शुरू कर दो। और उसके बाद दोस्तों, जो एक तरीके से ईरान की गलियों में, तेहरान की गलियों में और पूरे ईरान में इनफैक्ट जो हत्याकांड चालू हुआ है, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई और इतने लोग मरे हैं, दंगे हो गए थे कि पूछिए नहीं। अब यहां पे शाह ने एक फरमान जारी कर दिया 1953 में कि मुसद्दक को अपनी पोस्ट को खाली करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर की पद से हटाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है वो जो फरमान था उसमें जो प्रोविजंस थे, CIA ने बैठ के डिक्टेट किए थे, वो CIA ने पूरा जो फरमान था, जो डिग्री थी, उसको ड्राफ्ट किया था, समझ रहे हैं। जॉन डलस, डलस एयरपोर्ट है ना अमेरिका में बहुत फेमस, जॉन डलस जो कि CIA के हेड थे, और हर्मिट रूजवेल्ट, इन दोनों ने मिलके इस पूरे तख्तापलट को अंजाम दिया। और ऊपर से ब्रिटेन तो शामिल था ही, सब कुछ हो गया, फरमान भी जारी हो गया, लोग भी मुसद्दक के खिलाफ, दिक्कत, ये सब चीजें मुसद्दक के खिलाफ चली गई। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जून से CIA और ब्रिटेन ने प्लानिंग की। उस समय विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये तख्ता पलट करो, इधर आइजनहार ने बोला तख्ता पलट करो, तो इधर से सरकारों की भी सहमति हो गई। और फिर हम देखते हैं कि मुसद्दक को डिसमिस किया गया, लोग जो हैं वो मुसद्दक के घर में घुस गए और उसके बाद मुसद्दक को निकलना पड़ा। अच्छा, ये सेकेंड अटेम्प्ट था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया था क्योंकि मुसद्दक को खबर लग गई थी। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ तो मुसद्दक का मूड खराब, तो मुसद्दक जिसका जब मूड खराब हुआ तो शाह भाग गए थे फिर, क्योंकि शाह ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यह पूरा प्लान किया था और मुसद्दक जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। मुसद्दक को पता चल गया कि मेरा तख्ता पलट होने वाला है, तो जो मेरा तख्ता पलट करवाएगा उसको तो मैं जान से मार दूंगा। तो जनरल जाहिदी जो कि इस तख्ता पलट में शामिल थे और अगले प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे, अमेरिका ने और CIA ने जनरल जाहिदी को बोला, ठीक है, फजलुल्लाह जाहिदी, इनको यह बोला कि ऐसा है, तुम हमारा साथ दो, तुमको अगला प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे। तो जनरल जाहिदी और शाह ये सब शामिल थे, और जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है सब भागे अपनी जान बचा के। लेकिन फिर हम देखते हैं जब दूसरा अटेम्प्ट किया तब उनको कामयाबी मिली। तो दूसरे अटेम्प्ट में अमेरिका और ब्रिटेन को कामयाबी मिली, शाह वापस आए, जनरल जाहिदी वापस आए, और मुसद्दक को अपना प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा। पलट हो गया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, हर कोई देखता रहा, समझ गए। तो 1953 के बाद फिर दोबारा पहलवियों का शासन जो है वो शुरू हो गया, जाहिदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और 1953 से लेकर 1979 तक पहलवियों का राज चला। और ये जो पहलवीज थे, ठीक है, जो ये मोहम्मद पहलवी था जो अगला राजा बना 1953 में, इसने व्हाइट रेवोल्यूशन 1963 से लेकर 1979 तक, व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति की शुरुआत कर दी। ये सफेद क्रांति क्या थी?
पूरा ब्रिटेन को सपोर्ट करना है। सारी पॉलिसी ऐसी थी ब्रिटेन को ही सपोर्ट करेंगे, अमेरिका को ही सपोर्ट करेंगे, अमेरिका जो चाहे यहां पे आके कर सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन भी हुए, रोड्स बनवाई गई यहां पे, औरतों को राइट्स दिए गए लोगों को, लेकिन करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा और ऑटोक्रेटिक रूल हो गया था। तो 1953 में तख्ता पलट हुआ और 1953 से लेकर 79 तक हम देखते हैं कि पहलवीज ने रूल किया और 1979 में क्रांति हो गई। उसकी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आयतुल्ला खोमेनी की बायोग्राफी देख लीजिएगा। तो ये कहानी थी दोस्तों इस तख्ता पलट के, ऑपरेशन एजेक्स जिसको नाम दिया गया। तो ये फाइनल लेक्चर था, अब मैं ईरान पर कोई लेक्चर नहीं लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।